वेलकम ऑल इन आरएनजी क्लासेस चैनल। आज मैं आप लोग से कुछ अपने दिल की बातें करने वाला हूं। आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप लोग 11th और 12th का वीडियो लेके आइए। तो आज मैं अपने दिल की बात करने वाला हूं कि अब मैं 11th और 12th के बच्चों के लिए, जो कि जिनको लगता है कि मैथ्स या डिफिकल्ट है, हम नहीं मैथ्स लेना चाहते हैं, मैं मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं आज उनसे एक प्रॉमिस करने आया हूं कि मैथ्स मैं सिंपल करूंगा। ये मेरा वादा है आप लोग से। 11th 12th के बच्चे, जो 12th के बच्चे हैं जिनको डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ये सब में बहुत डिफिकल्टी होती है, शैलेश सर उसे सिंपल करेंगे। ये आज से मैंने आप लोग से वादा किया है। मैं तो वैसे भी मैथ्स के सिंपलेस्ट वीडियो डालते रहता हूं और आप लोग का भी बहुत प्यार मिल रहा है, आप भी बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोग को थैंक यू बोलूंगा, पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलूंगा। अब मेरे जो वीडियोस हैं मैथ्स के, मंडे और फ्राइडे को कंफर्म आया करेंगे और आप वेट करिएगा। 100% शैलेश ने प्रॉमिस किया है, तो आप लोग का 11th 12th का मैथ्स को सिंपल करके दूंगा। बाकी स्टैंडर्ड के भी वीडियो आएंगे, बट 12th का बच्चों का कहना है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हमारे नहीं हो पा रहे, तो प्लीज आप थोड़ा सा हमारे लिए कुछ करिए। तो आज मैं थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोग से इतनी बातें नहीं करने वाला, सिर्फ लेक्चर्स पे कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि मैं मंडे और फ्राइडे, ये दो दिन मैथ्स के लेक्चर आएंगे, और संडे के दिन बाकी जैसे हमारे अखिलेश सर हैं, जो ब्रिलियंट प्रोफेसर, अखिलेश सर के लेक्चर आएंगे, हेमंत सर के लेक्चर, बहुत सारे टीचर्स अब धीरे धीरे आने वाले हैं आप लोग के लिए। कोशिश हम करेंगे कि अच्छा से अच्छा लेक्चर इस प्लेटफॉर्म पे, इस क्योंकि हम टीचर हैं, टीचर का काम ही है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, टीचर्स का काम ही है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना। तो वो जो टीचर्स धर्म है वो मैं जिंदगी भर निभाता रहूंगा। आप लोग से एक ही वादा है, आप लोग का भी वादा है, आपको भी वादा मुझसे करना है, और मेरा भी आपसे वादा है, मैथ सिंपल करूंगा। और आपका वादा मुझसे ये होना चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को उस बुलंदियों पे लेके जाएंगे कि एक गांव का छोटा, बोलते ना कि एक छोटे से गांव में भी ये चैनल पहुंचे और बच्चे बोले मैथ्स तो यार और बाकी जो सब्जेक्ट इस चैनल पे चल रहे हैं तो जबरदस्त है। इसी के साथ में मैं अपने ये जो दो वर्ड्स हैं वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मगर आपका प्रॉमिस और मेरा प्रॉमिस ये मिलके बाकी बच्चों का भविष्य बनना है। तो बच्चों, टीचर्स क्या है और टीचर्स का काम क्या है वो आपको इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलेगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच आप लोग का सपोर्ट के लिए, सभी को थैंक यू सो मच, सभी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, मुझे पर्सनल फोन भी आते हैं बहुत सारे लोगों के। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग से कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग से जुड़ा। पहले मैं मीरा भाईंदर के बच्चों को पढ़ा रहा था, अब बहुत सारे बच्चे जो है हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, अब लोग हमें जानने लगे हैं, और ये सिर्फ आप लोग की वजह से हुआ है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत डिफिकल्ट बोला जाता है, और 12th का बच्चों आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगेगा, डिफरेंशिएशन चालू करूंगा, तो खुशी मिली ना डिफरेंशिएशन सुन के, तो डेरिवेटिव चालू करूंगा। संडे को वीडियो आएगा, 11th 12th दोनों के वीडियो। थैंक यू सो मच, सॉरी इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा बोला, नेक्स्ट लेक्चर में इतना नहीं बोलूंगा, मगर आज मुझे आपसे बात करनी थी क्योंकि मेरे वीडियो बहुत लेट आए, तो आज मैं आपसे बात, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे आपसे बात करनी है तो करनी है, ठीक है। बहुत कनेक्ट हो गया हूँ बच्चों, एक इमोशनली भी कनेक्ट हो गया हूँ, जो फोन आपके आते हैं, जो कमेंट आते हैं उसको देख के एक इमोशन, आप लोग से इमोशनली भी अटैच हो चुके हैं लेक्चर के साथ साथ में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। ऐसे ही सभी स्टूडेंट लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बाकी जो भी मेरे जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, सभी का थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने कम समय में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर करने के लिए। मगर आगे भी प्यार रुकना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब भी करना है और उसे शेयर भी करना है, तो इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं। हम आपके लिए सम्स को सिंपल करेंगे, सब बाकी सब सब्जेक्ट को सिंपल करेंगे। आपका एक ही चीज है कि आपको मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल की तरफ ले जाना है।
कि छोटे छोटे गांव तक मेरा ये चैनल पहुंचे और बच्चे कभी गलत बोलते ना कि ये ना सोचे कि यार मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, इस बार ही मैंने ज्यादा बोला है, सॉरी इसके बाद मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस चैनल में अगर बात ही करूं तो पढ़ाऊंगा कब, ठीक है। बहुत दिनों बाद आया ना तो इसलिए सोचा कि आपसे एक इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 11 का चालू कर रहे हैं और 12 का डिफरेंशिएशन। चलिए अब लेक्चर पे जाते हैं, लेक्चर के बाद मिलूंगा नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बच्चों अब तक आप लोगों ने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स। होल नेचुरल नंबर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। होल नंबर आपको मालूम है 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। इवन नंबर 2, 4, 6 इनफाइनाइट। ऑड नंबर 1, 3, 5 इनफाइनाइट। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, वो नंबर होता है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, इनफाइनाइट। इंटीजर्स मीन्स होता है ऑल नेगेटिव वैल्यू एंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज अ इंटीजर्स। तो ये सब तो चीजें हम 7, 6 से पढ़ते आ रहे हैं, मगर आज एक नया नंबर आप पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर आप लोगों ने 9th में किया होगा। रियल नंबर होता है रैशनल एंड इरैशनल नंबर। जब रैशनल और इरैशनल कंबाइन होते हैं तो रियल बनाते हैं, मतलब दुनिया के हर नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होता है। जैसे यहां पे रूट 5 है तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, आएगा पॉइंट में आएगा, रिकरिंग में आएगा, तो ये इरैशनल होगा। बट यहां पे देखिए 4 का स्क्वायर रूट हो रहा है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? ऑल फ्रैक्शन आर अ रैशनल नंबर। देखो मैंने यहां पे दिखाया भी है, पी अपॉन क्यू मीन्स फ्रैक्शन आर अ रियल नंबर, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर होता है। और इरैशनल नंबर क्या होता है? वो भी फ्रैक्शन है मगर डिवाइड करने पे, जैसे 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.33333 यानी रिकरिंग आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि दुनिया के हर नंबर जो फ्रैक्शन में रहे, डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड करने पे रिकरिंग आए, जिनका स्क्वायर रूट पॉइंट में आए, जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट हो, ये सब बच्चों रियल नंबर के पार्ट होते हैं, ये सब रियल नंबर में आते हैं। मगर अगर मान लीजिए कोई नंबर, बट बच्चों अगर मान लीजिए यहां पर रूट 5 वहां पर रूट 4 है, बट यहां पे रूट -7 आ गया, तो अगर रूट के अंदर माइनस है तो समझ जाना वो रियल नंबर नहीं है, रैशनल नहीं है, इरैशनल नहीं है, तो वो है कौन? तो वो बच्चों इमेजिनरी नंबर में आता है, और इमेजिनरी नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो अब हम चलते हैं कि माइनस रूट 7 है तो उस पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यों रिलेट करता है। तो आप लोग देखिए, आप लोग को अब भी बताया था कि रूट जो है -7 लिया था मैंने, तो मैंने बोला था कि अगर रूट में माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। कैसे होता है वो सुनिए आप लोग। अ नंबर ऑफ अ फॉर्म ऑफ के आई वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप लोग के दिमाग में चल होगा यार सेलेक्टर क्या बोल रहे, के आई, आई क्या होता है? आई मीन्स होता है आयोटा, आई मीन्स होता है आयोटा। ये देखिए आई जो होता है वो स्टैंड होता है आयोटा, बराबर। अब कोई नंबर, के मतलब होता है नंबर, अगर 5 है और 5 के साथ में अगर आई आ गया है तो समझ जाना बच्चों आई मतलब होता है इमेजिनरी। तो अगर कोई भी के है, के साथ में अगर आई आया, के मीन्स होता है नंबर्स, तो अगर 5 के साथ में आई आ गया है तो वो जो पार्ट होता है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और याद रखना बच्चों आई की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी रूट -1 होता है, आई की वैल्यू जो होती है वो रूट -1 होती है। तो अगर कोई अगर आपसे पूछे कि आई स्क्वायर क्या होगा, तो बोलने का लेफ्ट का अगर स्क्वायर करें तो राइट का भी स्क्वायर करना पड़ेगा,
तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस वन और माइनस वन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस वन हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको कोई भी बंदा पूछे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो बोलने का कोई भी नंबर के साथ में, कोई भी रियल नंबर, यहां पे रियल नंबर के मतलब होता है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के साथ में अगर आयोटा आ जाए, आई आ जाए, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या था, ये मुझे समझ में नहीं आया, आपने इसके विषय में बताया नहीं, तो मैं अब इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। बट उसके पहले सुन लो कि आई की वैल्यू होती है रूट माइनस वन और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, के आई, के क्या होता है, इज अ नंबर, रियल नंबर, कोई भी दुनिया का हर नंबर, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो रूट में हो, वो और साथ में आई होना चाहिए, ठीक है। मगर यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो आई ये इमेजिनरी नहीं हो सकता है, समझ गए। तो आई की वैल्यू होती है माइनस रूट में क्या आएगा, रूट माइनस वन, ये जो रेडिकेंड होता है वो माइनस वन होना चाहिए। तो आई स्क्वायर तो सिंपली अगर लेफ्ट स्क्वायर है तो राइट भी स्क्वायर होगा। अब मैं आप लोग को इस पे जा रहा हूं कि इमेजिनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। देखिए आप, मैंने बताया था ये रियल नंबर नहीं है, न रैशनल है, न इरैशनल है, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर रेडिकेंड माइनस है। मगर अगर कोई आपसे बोले कि भैया इसको इमेजिनरी में कन्वर्ट करो, मतलब आपको आई लाना है, तो एकदम सिंपल मैं आप लोग को मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले यहां का जो नंबर है वो फाइव ले लो, फाइव वन जा फाइव होता है, कभी भी याद रखना, यहां पे अगर फाइव है तो आपको लेना है फाइव वन जा, तो यहां पर हो गया माइनस वन, यानी माइनस वन जो है आप वन पे डालेंगे। तो आप क्या करेंगे मालूम है, ये दोनों रूट को अलग अलग कर देंगे। ये देखिए दोनों रूट अलग अलग हो गए। बच्चों मैंने क्या किया, जैसे एक एग्जांपल यहां पे सेकंड लेता हूं, मान लीजिए यहां पे रूट माइनस 13 है, तो मैंने आपको बताया था कि 13 वनजा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वन पे माइनस डालना, कभी भी कन्वर्ट करना रहा इमेजिनरी तो वन पे डालना माइनस, क्यों, क्योंकि आपको बताया था आई इक्वल टू माइनस रूट वन होता है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, अब 13 और 1 अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको मालूम है इधर माइनस है तो 1 के साथ में माइनस जाएगा। अब देखिए कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहां देखिए रूट फाइव, ये देखिए आगे आंसर, ये देखिए रूट फाइव, और मैंने आप लोग को बताया था कि आयोटा की वैल्यू जो होती है वो माइनस वन होती है, आयोटा जो होता है माइनस रूट वन होता है, माइनस रूट वन होता है, यानी रूट के अंदर माइनस वन रहेगा वो आयोटा होगा। तो सबसे पहले सेलिसन ने क्या किया, इमेजिनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, फाइव रहेगा तो फाइव वनजा करना और वन पे माइनस डाल देना। अब फाइव और वन दोनों आपस में लड़ाई कर लेंगे, भैया नहीं मैं, हम लोग अलग अलग रहना चाहते, तो देखो फाइव अलग हो गया और वन अलग हो गया, वन के साथ में आपको मालूम माइनस है और बीच में मिडल में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और आपको मालूम है रूट फाइव और आयोटा की वैल्यू होती है ये, तो ये पूरी वैल्यू जो है आयोटा है आई। तो देखो इमेजिनरी में कन्वर्ट हो गया, एक रेडिकेंट जो माइनस था वो आयोटा में देखिए कन्वर्ट हो गया आई में। सिमिलरली मैंने माइनस 13 लिया है, तो आपको मैंने बताया था 13 इंटू 1 और 1 पे माइनस जाएगा, याद रखना अब 13 ट्रांसफर हो जाएगा 1 पे, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे, 13 को अलग कर दो और 1 को अलग कर दो बट माइनस के साथ में, अब आपको मालूम है इसकी वैल्यू आयोटा होती है। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं इसी का, यहां पे एक ले लेता हूं फ्रैक्शन का सम्स, यहां पे ले लिया मैंने माइनस 2 अपॉन 7, तो क्या करोगे बोलो, क्या करोगे आप, सबसे पहले माइनस 2 अपॉन 7 नहीं लिखोगे, यहां पे 1 लिख दोगे। फिर क्या बोला सेलेसन ने कि 2 अपॉन 7 अलग हो जाएगा और माइनस 1 अलग हो जाएगा, फिर क्या करोगे 2 अपॉन 7 और यहां पे हो जाएगा आयोटा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है आयोटा होती है। तो मैं आई होप सो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा कि हम इमेजिनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर माइनस में है तो। अब आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाई जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट किया जाता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर आता है, रियल पार्ट आता है और इमेजिनरी पार्ट आता है. कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी. अब आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो आपको ए प्लस बी आई ये आपको याद करना पड़ेगा. जैसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़े थे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक में आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक का. तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई. ए मतलब दुनिया का कोई भी नंबर, माइनस में हो प्लस में हो पूरा नंबर. तो आप समझ गए ए जो होगा वो रियल पार्ट होगा यानी रियल नंबर. और आई के साथ में जो भी आता है, जो भी आयोटा के साथ में जो भी नंबर आता है, जैसे बी है तो बी जो है इमेजिनरी पार्ट है. तो आप समझ गए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब कंबाइन हुआ तो क्या बना? जेड. तो जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसका डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, अ नंबर ऑफ अ फॉर्म जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कोई भी अगर आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड बाय जेड, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई. जैसे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है तो कॉम्प्लेक्स का आपको याद करना पड़ेगा ये होगा. अगर कोई आपसे पूछे कि भैया रियल पार्ट क्या होगा इस जेड का, इस जेड का, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, रियल रियल मतलब रियल पार्ट जेड का क्या होगा? ए होगा. अगर कोई पूछे कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जेड का, तो बी होगा. तो जो आई के साथ में रहता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट. अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं कि ये जेड है, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर कोई आपसे पूछे कि इसका रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है. तो आपको मालूम है कि रियल पार्ट को ए बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बी बोलते हैं. तो आपको सिंपल दिख रहा है कि ए की जगह पे कौन सी वैल्यू है? टू है. और बी के जगह पे आपको दिख रहा है थ्री है, प्लस थ्री है, तो उसको थ्री लिखते हैं. देखिए कितना सिंपली हमें मिल गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. चलिए नहीं समझा तो सेकेंड पार्ट में चलते हैं. देखिए जेड है, इसका मतलब ये रियल नंबर है. तो आपको मालूम है पहले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके साथ आई नहीं रहता उसको रियल पार्ट बोलते हैं. रियल पार्ट इज डिनोटेड बाय ए, वहां देख लीजिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ए देखिए. तो क्या हो जाएगा? रूट सेवन है. और आपको मालूम है बी इमेजिनरी के साथ जो नंबर रहता है उसको बी बोलते हैं. सॉरी बच्चों, यहां पर आपको आएगा माइनस रूट सेवन, क्योंकि आपको साइन के साथ में रखना पड़ेगा. और अगर यहां पे माइनस एट आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे माइनस कर दिया, तो यहां पर बी का वैल्यू जो रहेगा माइनस एट रहेगा. ठीक है, अब आगे तो आज अब हम लोग सिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट पार्ट जो है हम लोग ने नाइन्थ में सर्ट्स में किया था, सर्ट्स में हम लोग ने ये कंप्लीट किया था. कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो भी साइन रहेगा उसको अगर आपने चेंज कर दिया तो वो हो जाएगा कॉन्जुगेट पार्ट. जैसे z का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस बी आई होता है. तो आपको मालूम है ये रियल पार्ट आपने क्या बोला, रियल पार्ट a है. और फिर क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो b है. इसके बीच में कौन सा साइन है? प्लस है. तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और अगर इधर माइनस होता तो वो चेंज हो जाता प्लस में. इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट. रियल और इमेजिनरी के बीच में जो भी साइन रहेगा वो चेंज हो जाता है. तो ये जेड जो है वो जो होता है रियल नंबर होता है, और जेड बार अगर लग गया, अगर उस पर लाइन आ गई, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट फॉर्म. इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं कि ये जेड है रियल नंबर है, रियल नंबर वन, रियल नंबर टू, रियल नंबर थ्री, रियल नंबर फोर, इसका कॉन्जुगेट निकालना है. तो आप सॉरी रियल नंबर बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर वन, कॉम्प्लेक्स नंबर टू, कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर. मैंने आपको बताया था रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन चेंज कर दो. तो रियल आपको दिख रहा है थ्री है और इमेजिनरी जो है सेवन है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां प्लस है तो मैं यहां पे माइनस लगा दूंगा. ये देखिए हो गया. सिमिलरली और सॉरी यहां पे बार लगाना भूल गया, यहां पे जेड टू है वहां पर भी बार लगेगा. बताओ आप कॉन्जुगेट कर रहे हो. तो यहां देखिए आप याद रखना, आप ए का साइन नहीं चेंज करोगे,
ये मिड का साइन चेंज करोगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए जेड थ्री है, वहां पर भी बार लगाया, आपको मालूम है मिड का साइन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, रूट सेवन माइनस रूट टू आई। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा आपको इसको इमेजिनरी में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आई नहीं दिख रहा है। तो सेलेसर ने अब भी आपको बताया था कि यहां पर सेवन वनजा होता है, तो आपको मालूम है सेवन अलग हो जाएगा और माइनस वन अलग हो जाएगा। तो यहां पे जेड फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, रूट सेवन, और इसकी वैल्यू होती है पूरे की वैल्यू आई होती है। अब आपको मालूम है कि आई वाला पार्ट हमें दिया है, ये देखिए ए प्लस बी आई, ये वाला पार्ट हमें दिया है मगर ए नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड फोर इज इक्वल टू जीरो ला दूंगा जबरदस्ती, ए की जगह पे जीरो ला दूंगा, और यहां पे हो गया प्लस क्योंकि साइन यहां पे प्लस का है रूट सेवन आई। अब बच्चों इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड फोर का कॉन्जुगेट, ये प्लस है तो आपको मालूम है ना माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब आपकी मर्जी यहां पे, सॉरी मैंने यहां पे कॉन्जुगेट का बार नहीं यूज किया, आप जीरो लिखो नहीं लिखो चलेगा। ये देखिए कॉन्जुगेट पार्ट हम लोगों ने एकदम क्लियर कर दिया बच्चों। ये सब तो सिंपल था, प्लस माइनस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो गया, प्लस माइनस में, बट जहां पर इमेजिनरी न रहे वहां पे आपको सबसे पहले इमेजिनरी लाना पड़ता है, और उसके बाद में आपको मालूम है ए पार्ट नहीं दिया तो यहां पे रियल नंबर की जगह पे हम जीरो रखेंगे। अब प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और आपको मालूम है कि जीरो लिखो नहीं लिखो चलेगा। तो ये कॉन्जुगेट पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो रियल नंबर की वैल्यू कैसे निकालोगे और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस बी आई, चलिए एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं पी प्लस क्यू आई, आप सी प्लस डी आई भी ले सकते हो, एम प्लस एन आई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लिखा भी हूं आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम क्यों लेट, और आपको मालूम है इक्वालिटी मतलब ये दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो आपको मालूम है कि जो ए है और जो पी है ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। रीजन, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो रियल रियल के इक्वल रहेगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रहेगा। तो देखिए ए पी के इक्वल होगा और आई को नहीं ध्यान दो, आई के साथ जो वैल्यू है जो कोएफिशिएंट है जो इमेजिनरी पार्ट है यानी बी है यहां पे और यहां क्यू है, तो देखिए बी इक्वल टू क्यू। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, दो हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया एक्स प्लस एट आई एंड टू प्लस वाई आई, तो आपको मालूम है कि ये जो होता है रियल पार्ट है तो x इज इक्वल टू टू हो गया, और आपको मालूम है इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है एट और वहां पे y है, तो एट इज इक्वल टू y या इसको हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। चलिए नहीं समझा तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिख रहा रियल पार्ट क्या है 5x है, यहां पे रियल पार्ट क्या है माइनस टू अपॉन फाइव है, बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फाइव को मैं उधर लेके जा सकता हूं, x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा बोलिए, x इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन फाइव, फाइव इज 25। देखिए रियल पार्ट के इक्वल है तो रियल पार्ट की जगह पे क्या था 5x और वहां पे रियल पार्ट की जगह पे क्या है माइनस टू अपॉन फाइव, माइनस है तो आपको माइनस लाना पड़ेगा बच्चों। अब ये फाइव यहां पे न्यूमरेटर है, अगर राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, इमेजिनरी पार्ट में क्या है थ्री है ना, थ्री है। अब देखिए यहां पर इमेजिनरी पार्ट में क्या है माइनस फोर अपॉन थ्री वाई, तो यहां पे लिख दिया माइनस फोर अपॉन थ्री वाई। अब आपको मालूम है ये पार्ट जो है इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए थ्री इंटू, जब ये इस साइड आएगा तो आपको मालूम है इन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों थ्री, थ्री जार नाइन अपॉन फोर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मतलब रियल पार्ट के इक्वल था, फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन फाइव, फाइव उधर गया देखिए मल्टीप्लाई हो गया, और
इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट में क्या है, थ्री उधर क्या है, माइनस फोर अपॉन थ्री वाई, तो माइनस फोर अपॉन थ्री मल्टीप्लाई है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको सिंपल दिख रहा है कि कितना इजी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की और ये हमने इक्वालिटी आज क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय जेड, जेड के बाद में आपको मालूम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस बी आई, ये बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्लस बी आई। अगर कोई आपके बोले कि मॉड्यूलस निकालना है, मतलब मुझे जेड का मॉड्यूलस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस क्या होता है, रूट के अंदर आपको इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, बीच में प्लस लगाना है, और सॉरी रियल नंबर रियल पार्ट का आपको स्क्वायर लेना है, प्लस लगाना है, उसके बाद में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना। इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, जो आई के साथ में जो भी नंबर आएगा। तो z इज इक्वल टू यानी मॉड्यूलस z इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ मेरे बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आई है। तो बच्चों अगर मान लीजिए यहां पर a की वैल्यू यानी इमेजिन रियल पार्ट क्या होगा, a 5 है, b का वैल्यू कितना होगा 6 है, तो आपको अगर मॉड्यूलस निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे वैल्यू रख दीजिए 5 स्क्वायर, बी की जगह पे 6, 5 का स्क्वायर 25, 6 36 और ये हो गया 61, इसका रूट नहीं होता है। मान लीजिए यहां पर गलती से माइनस अगर आ जाता तो यहां पर मुझे माइनस लिखना पड़ता, इधर भी ब्रैकेट में माइनस 6 और 6 का स्क्वायर 36 यानी 61 आ जाता। तो अगर माइनस है, सपोज यहां पे माइनस आ जाए तो यहां पर आपको माइनस लेना पड़ता, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ता माइनस, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो सिंपली मॉड्यूलस का कोई भी ये डिफिकल्ट पार्ट हो ही नहीं सकता है, मॉड्यूलस एकदम सिंपल पार्ट है। अब मॉड्यूलस पार्ट हम लोगों ने कर दिया, आप एम्पलीट्यूड में जाएंगे, एम्पलीट्यूड मतलब होता है थीटा। अगर मुझे z दिया है, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको बार बार बता रहा हूं a प्लस बी आई होता है इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे लेट किया हूं, अज्यूम किया हूं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। अब मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है इसका, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, माइनस वन को बोलते हैं इनवर्स, tan इनवर्स b अपॉन a, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। जैसे अब एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं बच्चों, जैसे z की वैल्यू 2 प्लस 7 आई है। अब आपको एग्जाम में अगर किसी ने पूछा कि एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला सेलेसन ने बताया कि एम्पलीट्यूड रियल नंबर का क्या होता है, tan इनवर्स b अपॉन a, तो एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय z थीटा। तो यहां पर लिख सकते हैं tan इनवर्स b की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है 7, अपॉन a की वैल्यू यहां पे 2 होगी। तो ये पार्ट इतना सिंपल था एम्पलीट्यूड का, बहुत मजा आया होगा बच्चों। ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट किया है रियल नंबर का, इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे आप लेक्चर को, मगर आपको बेसिक पार्ट रेडी करना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए, और आप अगर मुझे पर्सनल कॉल भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर्स हैं, मेरे मेल आईडी हैं, आप वहां पर भी मुझसे चैट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोग हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। Yeah.